हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंतिका मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका केयरिंग रेमेडीज पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेस पर होने वाले पिंपल्स एंड उसके जो दाग धब्बे होते हैं उसको कैसे हटाएं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान दो ऐसे एलोवेरा का टिप्स लेके आई हूँ। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपके जो फेस पे पिंपल्स हैं एंड जो उसके दाग हैं वो बहुत ही आसानी से दूर हो जाएंगे। ये दोनों ही रेमेडी मैंने खुद ट्राई की है एंड इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो फेस पे पिंपल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर ऐसे टाइम पे होती है कि जब हम एडल्ट्स होते हैं या इसके अलावा जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम पर भी फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम देखने को आती है। तो अगर आप मेरे बताए हुए इन दोनों टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके जो फेस पे पिंपल्स हैं एंड जो दाग धब्बे हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और बहुत ही कम टाइम लगेगा उनके दाग धब्बे भी चले जाएंगे एंड साथ ही साथ पिंपल्स दोबारा नहीं आएंगे। तो जो सबसे पहला मेरा टिप है आपके लिए वो ये है कि आपको एलोवेरा जेल का यूज़ करना है। इसके लिए आपको एक चम्मच एलोवेरा जेल लेना है एंड इसके अलावा आपको उसमें एक ही चम्मच मुल्तानी मिट्टी का जो पाउडर होता है उसको ऐड करना है। इसके अलावा आपको उसमें एक चम्मच के बराबर लेमन का जो जूस होता है, नींबू का रस, उसको ऐड करना है एंड तीनों चीज़ों को आपको मिला करके पेस्ट तैयार कर लेना है। उसको आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। इसको आप हफ्ते में 3 बार कम से कम यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर आप इसको हफ्ते में 3 बार यूज़ करेंगे तो आप इसको 1 से 2 बार लगाएंगे तभी आपको बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और इससे आपके जो फेस पे पिंपल्स हैं एंड साथ ही साथ जो दाग धब्बे हैं वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। एलोवेरा जेल का एंड मुल्तानी मिट्टी का जो पाउडर मैं यूज़ करती हूँ उसका मैंने दोनों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं सेकेंड टिप की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेस पर जो पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो अक्सर इस वजह से होती है कि हमारा ब्लड जो होता है वो अनप्योरीफाई होता है, यानी कि ब्लड में गंदगी की जो होती है उसकी वजह से। एंड इसके अलावा कभी कभी हमारा पेट भी साफ़ नहीं होता है, उसकी वजह से भी हमारे फेस पर पिंपल्स निकल आते हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपको ये करना है कि आपको एलोवेरा का जो जूस आता है आप चाहें तो पतंजलि का ले सकते हैं, जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी और कंपनी का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये करना है कि आपको डेली का डेली सुबह के टाइम पे कम से कम आपको 15 ml से 30 ml के बीच में आपको इसका जूस गुनगुने पानी के साथ लेना है। जब आप स्टार्टिंग में इसको लेंगे तो आप 15 दिन के अंदर ही आप ये देखेंगे आपके फेस का जो चमक है, ब्राइटनेस है, वो बढ़ जाएगी। जो भी आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे पिंपल्स कभी भी ना हो और जो है वो भी ठीक हो जाए तो आपको ये दोनों ही टिप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप इन दोनों तरीके से एलोवेरा का यूज़ करके देखिए एंड मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपके जो फेस पे पिंपल्स हैं वो पूरी तरीके से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आपको उसको क्लिक करना है एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।